people who had like perceived Pakistan as enemies, they did it for a reason, right? And there have always been reasons for it. But like at this point, I don't understand how relevant it is. But we're supposed to be trying to live in harmony and like, you know, globally united. This just causes a major and very inconvenient rift amongst Asian countries that are so close, you know, could be assets to each other. I think like a lot of terrorism is like attached to some sort of religious ideas. They should learn to differentiate and not generalize to the entire country. Allah ji gauri aaya hai. I feel sad for the Pakistanis. The government is shit, bro. They are living in poverty like anything. Cannot compare Pakistan with India. Okay, India is much above any level. भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे पैन छोलों के बारे में जिन्होंने दो मुल्कों के दरमियान फसाद फैला रखा है। इनको घर में खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, लेकिन ये बाहर लोगों को लड़ाई के लिए ऐसे तैश दे रही होती हैं जैसे इनके पीछे बड़ी आर्मी है। लेकिन यकीन मानो, इनके पीछे मिर्चों वाले डंडे के सिवा कुछ नहीं होता, और वही मिर्चियां जो इन्हें चैन से बैठने नहीं देती। मुझे पता है कि इंडियन सपोर्टर्स भी हैं मेरे जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो भाई ये वीडियो तुम लोगों के लिए नहीं है। मैं तो खुद इंडियन यूट्यूबर्स को बहुत शौक से देखता हूं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये सुनकर अजीब भी लगेगा कि मेरा ड्रीम कंट्री भी इंडिया है और मैं इंडिया की हर जगह देखना चाहता हूं। लेकिन कोई मेरे मुल्क के खिलाफ बकवास करे तो मैं उसकी मां को लंदन लेकर जाऊंगा और वहां उसकी आरती उतारूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लो। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि तुम कितना कमा लेते हो यूट्यूब से। यानी हिसाब लगा लो कि टाटा बिरला और अंबानी, इन तीनों की दौलत को जमा करो और मल्टीप्लाई करो 0.000 से। इतना तो मैं कमा ही लेता हूं। तुम लोग भी कमाना चाहते हो तो IQ ऑप्शन की ऐप डाउनलोड करो। इसका लिंक मिलेगा तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये डाउनलोड करो, घर बैठे बैठे $200 से $300 तो दिन के आराम से कमा सकते हो। तुम लोगों को इसमें टाइपिंग या फाइवर जैसा कोई काम नहीं करना। बेसिकली ये ऐप है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बिल्कुल सिंपल है, गेम की तरह तुम लोगों को करना है। स्टॉक मार्केट में जैसे रेट्स में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बस वैसे ये ऐप भी है। तुम लोगों ने सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है कि नेक्स्ट 30 सेकंड्स में रेट बढ़ेगा या डाउन होगा। अगर तुम लोगों की सिलेक्शन सही होती है तो तुम लोग $1 पर 91% कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम लोग डॉलर में इन्वेस्ट करो और डॉलर में यूज करो, तुम लोग यूरो, पाउंड, डॉलर किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन। नहीं मतलब फिर क्या तुम्हारी फुप्पो की बेटी का सुसर है या तुम्हारे ठोकुओं का घर है? कुछ तो शर्म करो अंकल। तुम्हारी उम्र में कुछ लोग होते हैं जिनका टीवी पे तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार चल रहा होता है। कोई इस बुड्ढे को घर पहुंचा दे, बेचारा पीके की तरह अपना रिमोट वा गली गली ढूंढ रहा है। बेसिकली फर्स्ट गेट द पॉइंट, वी डोंट लाइक देम, दे डोंट लाइक अस, दैट इज पॉइंट नंबर 1। नहीं बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यहाँ कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू की कैटेगरी चल रही है? पहले तो इस पॉइंट पे आओ ना कि बेसिकली तुम हो कहाँ के। मतलब शक्ल तुम्हारी चाइना के भंगियों जैसी है, पैदाइश तुम्हारी जापान में हुई है, रहते तुम इंडिया में हो, बातें तुम पाकिस्तान की ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे एक अदद अबू जान यहाँ भी रह चुके हो। नहीं तुम पहले अपने मुल्क के हालात देखो जाके। लुलियां तुम लोगों की छोटी होने की वजह से ब्लर स्क्रीन तुम लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ती है। बातें तुम ऐसे चौधरी हो जैसे यहाँ तुम्हें ब्रेजर की इंडस्ट्री का CEO रखा गया हो। ऐसे लोग होते हैं जो अपने नुनू की जगह मोजे फसा लेते हैं ताकि किसी को शक ना हो। बेटा यही बात तुम्हारे घर वाले तुमसे कहते हैं। मुंह तुम्हारा देखकर लग रहा है कि 2 दिन से यहीं पर पड़े हुए हो। खट्टे रंग की शर्ट ऐसे पहन रखी हुई है जैसे तुम्हारे मुंह के साथ बिल्कुल मैचिंग कर रही हो। तुम जैसे लोग होते हैं जो अपने मुंह के साथ हमेशा कंट्रास्ट ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। They're ruining everything. No. See their image. People are like making all these things for Pakistan. Why only Pakistan? That is the first question it should come from. Because they guys are doing a lot of trouble. Sorry to say that, but this is the truth. Why you guys only came for Pakistan? Why you never came for Argentina or any fucking country in the world? No. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये इतनी हैवी इंग्लिश कहाँ से सीखी है? एक तो यही अवाम की प्रॉब्लम है। पैसा और बच्ची इन्हें मिल जाए बस इनका स्वैग 36 इंच खुल जाता है। नहीं मतलब एक बार इसकी हालत तो देखो, ऐसे नहीं लगता जैसे टीबी के मरीज का इलाज चल रहा है। देख बेटा, बातें करने में और करके दिखाने में फर्क होता है। तेरे जैसे को एक दिन चर्च ना मिले ना तो तुम्हारी आवाज ऐसी हो जाती है जैसे एक कुकड़ी के ऊपर 2 कुकड़ चढ़े हुए हो। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त तुम्हारी अम्मियां तुम्हारे पैंपर चेक कर रही होती है। नहाते वक्त तुम लोग को घर में कोई बाथरूम का दरवाजा नहीं बंद करने देता कि कहीं साबुन ही ना गंदा कर दो। तुम जैसे को डॉक्टर ने लिख कर दिया होता है कि बेटा एक बार और मरी ना तो तुम्हारा जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाना है। टेररिस्ट कंट्री मैन, एवरीबॉडी आई एम आल्सो मुस्लिम बट इज अ टेररिस्ट कंट्री। देख बेटा, ऐसा है कि अब तेरा मुंह तो नजर नहीं आ रहा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब जो तूने बकवास की है ना उसके लिए मैं तुझे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। मुंह छुपाने की वजह से तो तू बच गया, लेकिन ये जो तेरा कान है ना ये फिर भी पूरे ब्लर में पूरा नहीं आ सका। मतलब इस कदर बेहुदा कान है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने एजेंट बनाकर भेजा हो। मतलब तुझे मोबाइल फोन रखने की जरूरत ही नहीं है, किसी ने बोलना तुझे ऐसे ही सुनाई दे जाना है। ऐसे लगता है जैसे बचपन में तुझे तेरे घर वालों ने पड़ोसियों की दीवार के ऊपर बिठाई रखा था कि जो जो बातें हो रही है वो सब तू सुन सके और अपने उस्ताद को दुआएं दे जिसने खींच खींच के तेरे हुनर में इजाफा किया। टेररिस्ट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन हाथियों जैसे कानों से हमारी सारी बातें सुन रखी। Pakistani people are like us, like you, would you? No, definitely they are worse than us because the education is a zero education.
हाँ भाई हम तो जीरो हैं और ये जो बुड्ढा है ना पढ़ पढ़ के ही तो गंजा हुआ है साला। टॉयलेट तुम लोगों के पास है नहीं हगने के लिए, तुम लोग पटरियों पे जाते हो। और जीरो हम है, जीरो नामी फिल्में तुम्हारे मुल्क में रिलीज हो रही है और जीरो हम है। राखी सावंत जैसी लड़कियां तुम लोगों ने पाल रखी है और वर्स्ट हम है। वो सब छोड़ो, इसकी शर्ट चेक करो, ऐसे लगता है अपने बिस्तर की चादर सिलवा कर आ गया हो। वैसे आपस की बात, ये इतनी लश्कारे मारती हुई गंज खुद करवाई है या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? और पाकिस्तानी एजुकेशन को तो जीरो ऐसे बता रहा है जैसे 1970 से लेकर अब तक के सारे स्कूल कॉलेजेस में चपरासी का ठेका इसी ने लिया हुआ था। You know, hindering into our space too much and sponsoring terrorism in Kashmir. एक तो इनकी हर बात टेररिज्म से शुरू होती है और टेररिज्म के ऊपर ही आकर खत्म होती है। मतलब कोई जेन्युइन बात करो, इसका मुंह देखकर ये पता लग रहा है कि घर वालों ने इसे कभी शहर से बाहर नहीं जाने दिया और ये कश्मीर की बात किए जा रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो घर में खेलने जा रहा हूँ बोलकर मुजरा देखने चले जाते हैं और अपना दिल पैसा जायदाद बुंड सब लुटवा कर आते हैं। लड़की इनको बस हाय बोल दे। इन्होंने अपना नाम सुनील लंडवा से चेंज करके नॉटिलिशियस चॉकलेटी बॉय रख लेना है। When bodies come back mutilated and families have to see those bodies in such states, that is It's very disappointing. It took a lot of rational thinking for me to change my opinion about Pakistan considering my dad's in the army. Okay, I have to really put aside a lot of baggage behind my mind. Terrorism which is around the borders of India towards the north is due to the militants which are armed from Pakistan. Around in Kashmir, there are no factories of manufacture AK-47. But you see people carrying AK-47, pads, Motorola handsets. Where do they get this from? Who funds them? The Indian government does not fund them with any of this. Where are these civilians coming in with such arms and ammunition? Who's supplying it to them? That's a real question. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। वो सब छोड़ो, इसकी बातों को एक मिनट के लिए जरा साइड पर रखो। इसे खुद भी नहीं पता कि इसने बोला क्या है। पहले तुम ये बताओ कि लुलियां खड़ी होती हैं तुम सब की जो इतनी बातें चोद रहे हो। मतलब इतनी गहरी सोच, मैं तो परेशान ही हो गया। कौन किसको क्या दे रहा है, कौन कब कहां घुस रहा है, किसने किसके अंदर डाला, क्या लॉजिक, क्या फेम, क्या डिस्कशन करनी है, क्या क्वेश्चन है, मतलब जो रट्टा मारा हुआ है बस बोले जाओ। ऐसे बच्चे होते हैं जो CID देखकर अपने घर में जासूसी करना शुरू कर देते हैं। बाद में इन्हें समझ में आती है कि इनका अपना अब्बा कौन सा वाला है। ड्रामे देख देख इनका दिमाग इतना खराब हुआ होता है कि घर में अपनी अम्मा को देखकर पहले 2 मिनट के लिए मुंह में से म्यूजिक की आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और फिर में आंखें डालकर अपनी अम्मा के पास जाकर कहते हैं, आप मेरी माँ नहीं हो ना। और बेटा तेरे जैसे लोग 2 टॉफी कभी कभार 1 चॉकलेट देकर ही मुंह में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि तैयार नहीं बेकरार हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी बात पे जो इसने बकवास की। ये भौंक रहा है कि इसके मुल्क में सिविलियन लोगों के पास असला बारूद कहां से आता है। हमारी गवर्नमेंट तो बड़ी टैट है, वो तो कभी देगी नहीं। इसके कहने का मतलब है जैसे हम तो यहाँ पे बांट रहे हैं, हमारे यहाँ तो सेल लगी हुई है, आओ ले जाओ। और बेटा कभी अपने अब्बू से पूछना कि तुम्हारा दुनिया में आना कैसे हुआ। इन जैसे लोग होते हैं जिनकी टुहियों पे सुबह सुबह रोज सोटियां खाकर डिजाइन बने होते हैं। I don't want to go to Pakistan. नहीं मतलब अंकल को कभी घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती कि कहीं कोई चीज ही उठा कर ना बेच दे। साला हगने के लिए घर में तुझे कोई लोटा नहीं दिया जाता और यहाँ बातें सुन लो इसकी। बेचारा इस कदर पाकिस्तान से तंग लग रहा है जैसे कि पाकिस्तानी इसकी मशूक भगा कर ले गया हो। इतने गांड फटी के ये बड़वे पाकिस्तान में कुछ देखने लायक कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान में कुछ देखने लायक कुछ है ही नहीं। आओ ना बेटा खुशबू लगा के तुम्हें दिखाते हैं पाकिस्तान में क्या क्या है। अपने थुक वाले जहाज पे तुम्हें बिठा के चांद पे ले जाएंगे चांद को उसकी औकात दिखाने। यहाँ लोग सरेआम पटरियों पे नहीं बैठे हुए होते हैं। तुम लोग तो वो जो पानी की जगह पत्थर इस्तेमाल करते हो वो भी चूने वाला, और जब तुम्हारी टुहियों से सफेद सफेद पाउडर निकलता है तो तुम लोगों को कहते हो कि कोई मुझे चूना लगा गया। और भाई लोग आखिर में मैं उस लानती शख्स पे लानत भेजना चाहता हूँ जिसने ये वीडियो बनाई। बड़े ही कोई बगैरत लोग हो तुम। जैसे लोगों की वजह से दोनों मुल्कों में इख्तलाफ डले हुए हैं। तुम जैसे ही हरामी लोग होते हैं जिनकी वजह से तुम्हारे अम्मा अब्बा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तुम लोग वो तालाब की एक गंदी मछली हो जिसकी वजह से तालाब की बाकी मछलियां भी बदनाम होती हैं। कुछ तो शर्म करो यार, क्यों अपने मुल्क को बदनाम करने पे तुले हुए हो। हर बंदा तुम्हारे जैसा गलीज नहीं होता। ये रोज सिर्फ उन बगैरतों के लिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान फसाद फैलाना चाहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि हर बंदा ऐसा होता है, और इंडिया कोई बुरा मुल्क नहीं है। जो मेरे इंडिया के सपोर्टर्स हैं उन्हें मेरी तरफ से बिग लव और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखने का शुक्रिया। आई थिंक दैट पीपल इज वेरी बैड एंड वेरी क्रूशियल। तेरी मां दा I don't think so. Pakistani people also can do something because of the government is so much involved in so many things. So I feel sad for the Pakistanis. लोगों का problem नहीं इसमें, इसमें क्या है? उधर ज़्यादातर आतंकवादी spot में हैं। तेरी मादा तेरी मादा
मैं पीता हूँ चाय आलू वाला पराठा साथ में अंडा हाफ फ्राई बर्गरों का बर्गर पर मुझे समझ ना आए खाने से पहले ये लोग स्नैपचैट बनाए I'm a pretty boy हम इशारे नहीं तोड़ते नाका देख कर कभी गाड़ी नहीं मोड़ते शादियों पे हम हवाई फायर नहीं खोलते और ये सोशल मीडिया वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ते हम पे जुल्म किया जा रहा है नाकों पे हमें तंग किया जा रहा है बाइकों को हमारी बंद किया जा रहा है और एक नंबर से मुझे तंग किया जा रहा है